कतना पानी हवा है यहाँ? हेलो नमस्कार, आप सभी भाइयों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ और आज सुबह ही मैं सूरत से गांव आया हूँ। और इससे पहले मैं एक डेढ़ महीना पहले भी गांव आया था जब मैंने वीडियो बनाया था, और उसके बाद मैं फिर से वापस सूरत चला गया था। और अभी आज मैं फिर से आया हूँ और अभी मैं एक दो ट्रिप भी करूँगा जो आपको चैनल पर वीडियो मिलेंगी। और अभी मैं हूँ वही भाई शांति भरी जगह पे, नदी के किनारे पे, और जो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी शांति भी है जो भाई मैं वीडियो में दिखा नहीं सकता, सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ। और इस साइड में एक नाव भी पड़ी हुई है जो भाई इसमें अभी डामर लगाएंगे, क्या है कि अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा होने लगा था इसीलिए अभी डामर लगाएंगे। और इस साइड में ये नदी है, अभी काफ़ी ज़्यादा पानी हो चुका है, हालांकि इतना ज़्यादा पानी नहीं हुआ कि बाढ़ आ जाएगी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा पानी है, काफ़ी दूरी तक पानी हो चुका है। चलिए अभी थोड़ा मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये रहा भाई घाघरा नदी जो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में दिखाया है, और शायद कल यहाँ तक पानी था नदी का, अभी पानी काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है नदी में। कहाँ हरिचंद, यहाँ तक पानी था ना कल? यहाँ तक पानी था नदी का, अभी भी कहीं कहीं पे पानी भरा हुआ है नदी का, और अभी तो काफ़ी दूरी पे पानी पहुँच चुका है, काफ़ी तेज़ी से पानी कम हो रहा है अभी नदी में। और इस साइड में भाई मेरा गांव है, और अभी हम नदी के किनारे पे टहल रहे हैं, क्या है कि भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी शांति मिल रहा है। और ये रही भाई नाव, इस पर अभी डामर लगाएंगे। और इस खेत में भाई मक्का लगा हुआ है, कुछ बाजरी ये सब लगा हुआ है जो जब भाई जस्ट नदी के किनारे पे है। यहाँ दमर को लगा दीस का हरचन, दमर की क्या लगी है? सामने देखिए भाई, बड़ी मछली का शिकार करने के लिए अभी दमर लगाया है किसी ने। कितने चारे लगे हैं? तीन, एक दो तीन, चार चारा लगे हैं, है ना? चलिए इसमें बड़ी मछली का शिकार किया जाता है कुछ इस तरीके से। और इस साइड में मेरा गांव है, और ये है भाई नदी। कतना पानी हवा है यहाँ? तो कूद के यहाँ को भीग जाए। भीग ना। ये जो नाव है ये मेरी नाव है, ये आज ही बनकर तैयार हुई है, और जो पुरानी वाली नाव थी वो टूट गई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था। और इस पे अभी दो दिन बाद इस पे डामर लगाया जाएगा, अभी इसको ऐसे दो दिन सूखने के लिए ऐसे छोड़ दिया गया है, और दो दिन बाद इस पे डामर लगाया जाएगा, फिर ये पूरी तरह से पानी में चलने के लिए तैयार होगी। और पूरी अभी देख पा रहे होंगे लकड़ी ऐसे ही दिख रही है, और जब डामर लग जाएगा तो ये सब लकड़ी नहीं दिखेगी, और देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से नाव बनी है। अभी पलट दिया गया है, और जब डामर लगा देंगे फिर उसके बाद में सीधा करके पानी में ले जाएंगे। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपने छत पे बैठा हूँ, और मेरे साथ है मेरे भतीजे रिंकू। रिंकू स्कूल नहीं गया आज? ना ही कहे कई महाव कई महाव यक में। चलो ठीक, तो ये मेरे बड़े भतीजे हैं और इस साइड में छोटे भतीजे पिंकू। इन दोनों लोग का खेल कूद में ही पूरा दिन पार हो जाता है, काफ़ी अच्छी लाइफ इनकी। और इनको हम देखते हैं तो भाई हमें भी अपना बचपन याद आता है। तुम नहीं स्कूल जाते पिंकू? अरे जावा करो स्कूल। का चिले के दी ये उड़ा वाला
रहा भाई, खेल कूद में इन लोगों का काफी ज्यादा रुपया लग रहा है भाई। हर एक चीज, कोई भी चीज दुकान पे आती है तो बहुत रुपया मांगते हैं। कल तो लेके ध्यान रहा चलो ठीक है बेले दिबे। तो भाई यही है इनकी लाइफ। और अभी छत पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है। मैं सुबह से ही बैठा हूँ तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा धूप लगने लगी है। और हमने चाय वाय सब पी लिया है। और अभी थोड़ा मैं अपना गांव में दिखा देता हूँ बैक कैमरे से। ये है मेरा गांव, छोटा सा बड़ा सा। और ये दोनों लोग छोटा सा बड़ा सा, रिंकू और पिंकू। छोटा सा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। आवाज है पूरा। चलिए भाई, और इस साइड में नदी है। तो चलिए भाई, इस वीडियो में यही था और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।